हल्द्वानी पुलिस को बनभूलपुरा दंगे के मामले में बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने बनभूलपुरा दंगे के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक के बेटे अब्दुल मोइद को गिरफ्तार कर लिया है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को पुलिस ने 24 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके बेटे को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नामजद सभी उपद्रवियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन सभी पर मुकदमे दर्ज किए गए। बनभूलपुरा हिंसा में जितने भी नामजद अभियुक्त थे उनमें से फरार चल रहे जो अभियुक्त अब्दुल मोइन उसकी आज हमारी टीम ने गिरफ्तारी की है और ये गिरफ्तारी होने के साथ इसमें नामजद जितने भी अभियुक्त थे उनकी सभी की गिरफ्तारियां हो चुकी है। ये जो अभियुक्त है इसको हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया गया और ये जो शानदार कार्य है इसके लिए मेरी टीम को मेरी तरफ से 2,000 रुपये का और DIG कुमाऊं की तरफ से इस टीम को 5,000 रुपये का इनाम दिया। साफिया वाले मामले में एक अलग से FIR पंजीकृत हो रखी है जिसमें अब्दुल मलिक और साफिया मलिक दोनों ही नामजद हैं और एक 420 की FIR में हमारी योजना चल रही है। जैसे योजना में साक्ष्य आते हैं हम साफिया मलिक की भी बताएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।